शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय के समीप प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य एक दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे। शेरघाटी अनुमंडल के अधिकतर स्कूल संचालकों ने इस दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि आज लगभग सभी उद्योग, व्यापार, सरकारी संस्थाने एवं धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, परंतु सभी निजी विद्यालयों को केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद बिहार में शिक्षा पूरी तरह ठप है और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मालूम हो कि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद के आह्वान पर राज्य भर में बुधवार को 9 दिसंबर को एक दिवसीय सत्याग्रह द्वारा स्कूल संचालकों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। शेरघाटी इकाई के अध्यक्ष नवीन कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष कैफी खान, सचिव वीरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव अबरार मंसूर उर्फ शिब्बू सर, प्रवक्ता कौशलेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष हारून रसीद ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को दिए अपने पत्र में यह मांग की कि निजी विद्यालयों को आगे पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इनका कहना था कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय इतने दिन बंद रहने से विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं बेरोजगार हो गए हैं और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। एक दिवसीय सत्याग्रह का संचालन बांके बाजार के स्कूल संचालक कमलेश कुमार ने किया तथा डोभी से आए शशिकांत कुमार, भदिया से आए उमेर खान उर्फ टिक्का खान, हारिश कमाल, इमामगंज से वीरेंद्र प्रसाद, कोठी से मोहम्मद नाजिम और मोहम्मद वहदत, बांके बाजार से दानिश कमाल, बैदा से शौकत अली सहित शेरघाटी के आमिर इमाम, जीनत परवीन, प्रदीप भारद्वाज, मोहम्मद सुहैल, सतीश शर्मा, अर्चना गिरी, तुलसी प्रसाद, मोहम्मद दानिश आदि दर्जनों स्कूल संचालकों ने प्राइवेट स्कूल को जल्द खोलने की मांग की। सर बताइए, आज जो सत्याग्रह करने की मजबूरी हो गई, तो क्या ये फैसला लेने में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, उन्होंने क्या देर कर दिया या सही समय पर ये फैसला लिया है? ऐसा नहीं है, हमारे पसावा के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के मांग, चेतावनी आदि सरकार को दी जा रही थी। अंततोगत्वा इस तरह का निर्णय लिया गया, सरकार एकदम चुपचाप से रही, सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं आने के बाद पसावा ने इस तरह का निर्णय लिया। आज पूरे बिहार में सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, कोई देर नहीं हुई है। अगर इसके बावजूद भी सरकार की आंख नहीं खुली, नींद नहीं खुली, तो हम लोगों का आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। सर, ये सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही है कि स्कूल जितना डिसिप्लिन स्कूल मेंटेन कर सकता है वो कोई भी कहीं भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बातें उनको समझ में क्यों नहीं आ पा रही है? क्या कारण है? आखिर सारी चीजें हो रही है, सारी जगह कानून का उल्लंघन भी हो रहा है, कोरोना का भी उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ये बातें स्कूल पर ही क्यों लागू है? क्या कारण क्या है? ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये साजिश है एजुकेशन को पूरी तरह से चौपट करने का, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है सरकार का स्थिति, तमाम चीज़ खोल दिए गए, होटल, सिनेमाघर आदि आदि चीज़ें, सभी चीज़ बिल्कुल रोजमर्रा की तरह, पूर्व की तरह चल रहा है। केवल एक स्कूल ही ऐसा चीज़ को अब तक नहीं सरकार के द्वारा खोलने का काम किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार एजुकेशन को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है, चौपट करना चाहती है। और आने वाला दिन में जिस प्रकार का सरकार का यह निर्णय, इससे सरकार को काफी नुकसान होगा। सरकार आत्मनिर्भर की बात कर रही है, ये सारे पढ़े लिखे लोग आत्मनिर्भर होकर इन्होंने स्कूल खोला, अब इनके आत्मनिर्भर बनाने के समय ही इन्हें इनको उससे वंचित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? दोहरा नीति है, दो तरह की बात हुई सरकार की। आप देखिए, तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, फिर कहाँ से आत्मनिर्भरता की बात आती है? ये तो केवल हंसने वाली और कहने वाली बात हो गई है। देखिए, आगे हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जो है स्कूल खोलने के लिए लगातार अब शुरू हो गया, चलता रहेगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों को सरकार से सहयोग भी मिले, केवल स्कूल ही ना खुले, क्योंकि 9 महीने का अवधि हो गया है, कई स्कूल बंद हो गए हैं, कई शेरघाटी में तकरीबन अब तक 46 स्कूल बंद हो गए हैं और कई स्कूल अभी बंद होने के कगार पर हैं।
आपको बता दें कि किराया पर तकरीबन जो स्कूल संचालित थे वो बंद हो गए। 9 महीने का, 1 साल का किराया लोग कहाँ से दे पाएंगे? स्कूल संचालित नहीं हो रहा, उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो स्कूल सीधे तौर पर बंद हो गए हैं। तो कई लोग सड़क पर आ गए हैं। अगर लोग सड़क पर आ गए हैं, भुखमरी के कगार हो रहे हैं पर आ गए हैं, तो फिर उनको कोई ना कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने इस तरह का स्टेप, आपके अंदर जो आलसी लग रही है निकाल दूं। अब तो सरकार की नींदें खुलनी चाहिए, अब तो लग रहा है जी। थैंक यू, धन्यवाद। जो सत्याग्रह आज रखा है, क्या उद्देश्य, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है सरकार जल्द से जल्द, जिस प्रकार सारे गाइडलाइन के अनुसार सरकार का सारा कार्य जो चल रहा है, चुनाव हुआ, उसी प्रकार हम सबों का विद्यालय संचालित हो, और हम सब जो आज पिछले 9 महीनों से भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, सरकार हमें स्पेशल पैकेज दे, साथ ही गाड़ी का जो टैक्स है उसको माफ़ करे, जो हम लोग कर्ज ले चुके हैं बैंक से वो ईएमआई माफ़ करे, टैक्स माफ़ करे, यही हम लोग का डिमांड है। और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि 2021 जनवरी आते आते पूरे देश के 25,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, करीब करीब करोड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, खास करके मैं बिहार सरकार से के साथ साथ निवेदन करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि अगर सरकार को, मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री अगर इसे संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और हमारे महामहिम बिहार के राज्यपाल या जो भी स्टेट के राज्यपाल हैं, वो संज्ञान में लें। आखिर कितना दिन तक हम सबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे? बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे कि वो अपने अधिकार की बात करने लगे। आप तो साजिश के तहत, आपको एजुकेशन से भी नफरत है। ये तो पदाधिकारी बैठे हैं कुर्सी पर, है पढ़ लिख के ही तो पदाधिकारी बने होंगे, मगर आप क्या चाहते हैं? आपका आने वाला जनरेशन जो अशिक्षित रहे, आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों डरे हुए हैं? फॉर द पीपल तो रहे नहीं, फॉर द पीपल तो है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। हम जैसे कमजोर प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोगों के लिए सरकार को सुनती नहीं है, कोई पदाधिकारी सुनता नहीं। इसलिए 2-3 डिमांड जो है वो, देखो, सबसे पहले इस चीज पर एडमिट हो जाइए, हर स्कूल का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिसने जिला में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको पता है इस स्कूल में कितना स्ट्रेंथ है और कितने शिक्षक है, नॉन टीचिंग कितने हैं, सारा माइन्यूट डिटेल्स उनके पास है। सर, सबसे पहला डिमांड कीजिए कि इस 9 महीने में जो आपने अपने फरमान से तमाम स्कूल्स को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, जो मेरा पर मंथ का एक्सपेंस है उसका 70% सरकार को क्लियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इन प्राइवेट स्कूल संचालकों को, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दूसरा, जो भी प्राइवेट स्कूल्स के संचालक हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट रखा है, ये जितना दिन ये बंद है, ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसेस हैं, उनका इंस्टॉलमेंट अगर माफ नहीं करते हो तो जो इंस्टॉलमेंट है उस पर जो मॉरेटोरियम दिए, जो तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट को माफ करो। इस पीरियड का जो भी रोड टैक्स है या जो भी इंश्योरेंस का जो भी क्लोज है, और जो फिटनेस का मामला है, वो सारी चीज को, जितने स्कूल्स की बसेस है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सबको माफ करो। जब तुम वहां से ऑर्डर पारित करोगे कि हमने ऑर्डर पारित कर दिया स्कूल खुले, उसके बाद से उसका टैक्स चार्ज करो और ये सारी चीज करो। ये सारे जो 3-4-5 डिमांड्स हैं सर, उसके बाद फिर बाकी आप तमाम लोग बैठ के इस चीज को कीजिए। मैं कहता हूं कि मैं भी एक छोटे मोटे स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों के साथ हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहूंगा, हमेशा। आज सिंबॉलिक सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस के मानने वाले लोग हैं हम लोग, शिक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, इसलिए गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो आज सिंबॉलिक अगर हमने सत्याग्रह किया है, धरना दिया है, तो पदाधिकारी महोदय इस चीज को समझ लीजिए कि जब पढ़ा लिखा वर्ग और शिक्षा प्रदान करने वाला वर्ग जब सड़क पर निकलेगा, तो आपका तंत्र भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत संघीय रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, इनका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए और तुरंत प्राइवेट स्कूल्स को खोलने का ऑर्डर पारित कीजिए, कि जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, कम से कम 1 महीना बच्चों को ये शिक्षक पढ़ा सके, कि उनका फिर प्रमोशन हो सके, जो 2 में पढ़ रहे हैं वो 3 में जा सके। क्यों आपको दुश्मनी हो गई शिक्षा से? इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
आज के इनके सत्याग्रह के बाद अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर इन्हें आंदोलन और आगे ले जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल।